गैस मार्वल के वन ऑफ द बेस्ट सुपर हीरो की बात होती है तो यस आयरन मैन का कैरेक्टर नंबर वन पर आता है। वही ये कैरेक्टर सबसे पहले हमें मार्वल की कॉमिक्स में नजर आया था और फिर बाद में हमने इसे मार्वल के सिनेमैटिक यूनिवर्स में भी देखा। पर गाइस क्या आपको पता है इन कैरेक्टर की जर्नी कॉमिक्स से एमसीयू तक की कैसी रही, क्योंकि इस कैरेक्टर ने मार्वल स्टूडियोज को एक बार डूबने तक से बचाया है। तो इस कैरेक्टर की जर्नी को पूरा जानने के लिए इस वीडियो का एंड तक देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस कैरेक्टर की बर्थ मीन्स इसकी कॉमिक बुक क्रिएशन 1963 में हुई थी और इसे स्टैनली, लैरी लाइबर और जैक कर्वी सर ने क्रिएट किया था। स्टार्टिंग में आयरन मैन के फर्स्ट इशू के कॉमिक बुक का रिस्पांस वैसा नहीं था जैसा क्रिएटर्स ने एक्सपेक्ट किया था, बट अपकमिंग इशू में इस कैरेक्टर ने फैंस के बीच अपनी जगह बना ली। जब एक इंटरव्यू में स्टैनली सर से पूछा गया कि आपने इस कैरेक्टर को कैसे क्रिएट किया, मीन्स इसको क्रिएट करने के पीछे आइडिया क्या था, तो उनका कहना था, द टाइम आयरन मैन केम आउट All the young people were against war, they hated big businessmen, and they hated people who made munitions and armaments. मैंने इस कैरेक्टर को तब क्रिएट किया जब अमेरिका की यंग जनरेशन वॉर के अगेंस्ट थी। वो बड़े बिजनेसमैन से नफरत करते थे, स्पेशली जो वेपन्स बनाते थे। स्टैनली स्टार्टिंग के इशू में आयरन मैन के आर्मर को पसंद नहीं करते थे, जिसकी वजह से वो अपकमिंग इशू में आयरन मैन के आर्मर को इम्प्रूव करते रहे। बट उनका कहना था कि हॉलीवुड ने उसे और बेहतर बना दिया, जिसने इस कैरेक्टर को मेरा फेवरेट बना दिया। और हाँ, क्या आपको ये पता है कि मार्वल के हर कैरेक्टर के क्रिएट होने के पीछे अमेरिका की हिस्ट्री जुड़ी हुई है, जैसे कि कैप्टन अमेरिका, फैल्कन, आयरन मैन या फिर ब्लैक विडो। अब फैल्कन को ही ले लेते हैं। इस कैरेक्टर को मार्वल कॉमिक में तब इंट्रोड्यूस किया गया था जब यूएस में ब्लैक एंड व्हाइट में डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, तो मार्वल ने इस डिस्क्रिमिनेशन को रोकने के लिए फैल्कन के कैरेक्टर को कॉमिक बुक में इंट्रोड्यूस किया। कॉमिक के साथ ही डीसी अपने कॉमिक बुक कैरेक्टर पर बेस्ड सिनेमैटिक यूनिवर्स पर भी काम करना शुरू कर चुका था, पर मार्वल कॉमिक तब भी इस कैपेबल नहीं था कि वो अपने कॉमिक बुक कैरेक्टर पर बेस्ड सिनेमैटिक यूनिवर्स बिल्ड कर पाए। तो मार्वल ने अपने कॉमिक बुक कैरेक्टर्स के राइट्स को अदर स्टूडियोज को बेचना शुरू कर दिया, जैसे कि स्पाइडरमैन के यूनिवर्स के हर कैरेक्टर के राइट्स को मार्वल ने सोनी एंटरटेनमेंट को बेच दिया। वैसे ही मार्वल ने आयरन मैन के राइट्स को यूनिवर्सल पिक्चर को बेच दिया। फिर इस कैरेक्टर का राइट्स अदर स्टूडियोज से होते हुए न्यू लाइन सिनेमा के पास पहुंचा, पर यहां मार्वल थोड़ी चलाकी करता था। वो हर कैरेक्टर के राइट्स को सेल करते टाइम ही एक कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करता था जिसमें कुछ कंडीशंस होती थी, जैसे कि कैरेक्टर के राइट्स को बाय करने के बाद आपको इस कैरेक्टर पर मूवी बनानी पड़ेगी। एग्जैक्टली ईयर तो नहीं पता, लेकिन 1 to 2 ईयर के गैप पर। बट कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग न्यू लाइन सिनेमा ने इस कैरेक्टर पर कोई भी मूवी नहीं बनाई, जिसकी वजह से उनका ये कॉन्ट्रैक्ट 2005 में लैप्स हो गया। न्यू लाइन सिनेमा के फाउंडर बॉब से का कहना था कि ये कोई सेंस नहीं बनता कि कोई इतना हैवी सूट पहनकर फ्लाई भी कर सकता है। पर यार मुझे लगता है कि न्यू लाइन सिनेमा के फाउंडर बॉब ने आयरन मैन के कॉमिक का फर्स्ट इशू का आर्मर देख लिया था। सो फाइनली आयरन मैन के राइट्स मार्वल के पास वापस आ गए। अब क्योंकि 2005 के आसपास मार्वल कॉमिक की फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं थी, बट 2008 में मार्वल कॉमिक ने खुद की फाइनेंस्ड प्रोडक्शन और पैरामाउंट पिक्चर के साथ मिलकर आयरन मैन मूवी को बनाया। इस मूवी का बजट 14 करोड़ यूएस डॉलर था और इसने 58.58 करोड़ यूएस डॉलर बॉक्स ऑफिस से कमाया था। मार्वल ने वो कर दिखाया जो न्यू लाइन सिनेमा सोच भी नहीं सकता था, और ये वही टाइम था जब मार्वल फाइनेंशियल क्राइसिस से उभर गया था आयरन मैन 1 मूवी के बदौलत। स्टार्टिंग में इस कैरेक्टर को थोड़ा सेल्फिश, रूल्स को न फॉलो करने वाला दिखाया गया है, मार्वल के हर कैरेक्टर की तरह। बट टाइम के साथ इस कैरेक्टर में हमें काफी चेंजेस देखने को मिले और फाइनली एंड गेम में इस कैरेक्टर को एक परफेक्ट ट्रिब्यूट देकर मार्वल ने इस कैरेक्टर को गुड बाय कह दिया, और आरडीजे की एक्टिंग ने इस कैरेक्टर को मार्वल सिनेमैटिक का वन ऑफ द बेस्ट सुपर हीरो बना दिया। और गाइस आपको क्या लगता है, आयरन मैन एमसीयू में रिटर्न बैक करेगा? क्योंकि अगर मार्वल चाहे तो एमसीयू में मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट के आने से इस कैरेक्टर को वापस ला सकता है। आप क्या सोचते हो इससे रिलेटेड, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। चलिए मिलते हैं किसी नए और ऑसम कंटेंट के साथ। टिल देन गुड बाय।